लेक्चर में हमने हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसे एक्सप्लेन किया था, साथ में हमने उस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर लिया जो आपको फाइनल एग्जाम का होने वाला है, और एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में हमने प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, मतलब आप बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हो और बिजनेस डिसॉल्व करते वक्त सारी एसेट्स को सेल आउट करके जो पैसा आपके पास अवेलेबल होगा उस पैसे को आप सारी लायबिलिटीज में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आपके पास सारे एसेट का पैसा इकट्ठा आने वाला नहीं है, पार्ट पार्ट में आने वाला है। मतलब पार्ट पार्ट में एसेट सेल होगा तो आपके पास पैसा भी पार्ट पार्ट में आएगा। अगर आपके पास पैसे आने का जो सीक्वेंस है टुकड़े टुकड़े में है तो आप ऐसा पूरा एक साथ पैसा जमा करके फिर सारे लायबिलिटीज को देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जब तक पैसा आएगा उस दिन तक सामने वाला वेट थोड़ी करेगा, वो तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते जाएगा। तो इसके लिए हमें जैसे ही पैसे अवेलेबल होंगे आप उस लायबिलिटीज को पे करते जाएंगे। तो उन लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हमने एक प्रायोरिटी, एक सीक्वेंस एक्सप्लेन किया था। तो उस सीक्वेंस को थोड़ा एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो एसेट सेल करने के लिए होने वाले हैं, बट एग्जैक्टली कितने होते हैं ये पता नहीं होता है। इसके लिए यहां पे दोनों ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्चुअल अमाउंट दिया जाएगा या फिर एस्टिमेटेड। जब सारे एसेट्स का सेल आउट हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना लगा है। डिपेंड्स, तो आपके क्वेश्चन में जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आप उसे ट्रीटमेंट कीजिए। कैसे ये हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, सिंपल पार्ट एकदम। देन हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज में जस्ट दो पार्ट्स हमने देखे थे, एक था क्रेडिटर्स का और एक था पार्टनर्स से रिलेटेड लायबिलिटीज। और क्रेडिटर्स में तीन हमने एक्सप्लेन किए हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जैसे सिक्योरिटी है मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड थर्ड था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और पार्टनर्स की लायबिलिटी में दो ही पार्ट्स हमने देखे थे, एक पार्टनर्स लोन एंड सेकंड पार्टनर्स कैपिटल। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट पहले होगा और फिर अगर कुछ बैलेंस है हमारे पास कैश में तो आप उसे पार्टनर्स की लायबिलिटी में पे करेंगे। इंटरनल लायबिलिटी उसे बोला जाता है। तो इंटरनल लायबिलिटी में दो पार्ट्स हमने देखे थे, एक था पार्टनर्स लोन एंड लास्ट पार्टनर्स कैपिटल। तो सारे क्वेश्चन में यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो यहां पर जो लास्ट में है ना पार्टनर्स कैपिटल, यहां से हमें आज कुछ आगे देखना है। सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाने के बाद सबसे आखिरी में नंबर किसका लगने वाला है, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल को जब पैसे देने का टाइम आएगा तब आपके पास अगर तीन पार्टनर्स है, ठीक, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में इतने नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 रहेंगे, ठीक। तो ऐसा एज्यूम करते कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं,
तो तीनों पार्टनर्स का जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है, मतलब उन तीनों का कैपिटल, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जैसे आपने सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, इसे ये पार्टनर्स कैपिटल, ये भी तो बिजनेस का लायबिलिटीज होता है ना, तो इसका भी पेमेंट हमें करना है। तो कौन से पार्टनर को पहले देना है? हाँ, यहां पर वापस से भी थोड़ा याद रखिए, कुछ नया पार्ट आने वाला है, सो प्रॉपरली उसे ध्यान से सुनिए और नोट डाउन भी कीजिए, बट नोट डाउन बाद में कीजिए, पहले सारा सुन लीजिए। तो यहां पर पार्टनर्स को अब जब पैसे देने का टाइम आएगा, तब पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में होती है दो मेथड्स। काम बढ़ रहा है, ठीक। दो मेथड्स होती हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। इसी दो मेथड्स हमें, हाँ, ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल को पैसे देते वक्त आपको फॉलो करनी है, बाकी क्रेडिटर्स को, पार्टनर्स लोन को, जैसे हमने सीक्वेंस देखा उस सीक्वेंस से आप पे करते जाएंगे। मेथड की बात हो रही है, ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का पैसा रिफंड करने के लिए। ओके, डिटेल्स में देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल जब पैसा देने का टाइम आएगा, तब वहां पे आपके सामने दो मेथड्स यहां पर होने वाली है। तो फर्स्ट मेथड जिसका नाम है एक्सेस कैपिटल मेथड, देखिए नाम में उसका मीनिंग क्लियर आ गया, एक्सेस। जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है, एक्सेस है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो आप उस एक्सेस कैपिटल को उस पार्टनर को पहले देंगे। कैसे देना है ये आज हम एक्सप्लेन करने वाले, इसके लिए सिर्फ नाम आपके सामने है, बाकी कुछ भी आप समझिए ना, सिर्फ नाम हम देख रहे हैं। इसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन हम छोटा सा सॉल्व करेंगे, एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में, ठीक। एक्सेस कैपिटल को और एक नाम होता है सरप्लस कैपिटल मेथड, एक्सेस या फिर सरप्लस, जिसका ज्यादा है सरप्लस। और एक नाम है इसे प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एंड लास्ट वन मोर, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एक्सेस, सरप्लस, प्रपोर्शनेट, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, तो ये चार नाम एक ही मेथड के हैं, ठीक। तो ये कैसे करना है, किस तरह से ये आप उसका वर्किंग करने वाले हो, ये हम देखने वाले, बट ये चार नाम ये एक ही मेथड के हैं, एक्सेस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, थर्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एंड फोर्थ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में है मैक्सिमम लॉस मेथड। अब आप बोलेंगे इतने सारे नाम कैसे याद रखे, सिंपल है, ये जो सेकंड मेथड है ना उसके लिए ये एक ही नाम है, मैक्सिमम लॉस मेथड, इसके लिए कोई दूसरा तीसरा चौथा नाम नहीं है, ये एक ही नाम है सेकंड मेथड के लिए। तो सेकंड मेथड का नाम याद रखिए मैक्सिमम लॉस मेथड, अगर इसके अलावा कुछ नया नाम लिखा है समझ लो कि पहले मेथड का है, सिंपल। तो मैक्सिमम लॉस के लिए दूसरे का ऑप्शन नहीं है ना, तो मैक्सिमम लॉस मेथड ये अगर नाम क्वेश्चन में नहीं है समझ लो कि पहला मेथड है ना, क्योंकि पहले मेथड को ही नए नए नाम आ रहे हैं, सेकंड मेथड के लिए कोई भी दूसरा नाम नहीं है। तो एक्सेस कैपिटल मेथड और सेकंड मैक्सिमम लॉस मेथड, ये दो मेथड्स यहां पर होने वाली है, बट ये मेथड का यूज इसके लिए सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करने के लिए, ठीक। तो यहां पर हम इस दोनों मेथड में से पहले मेथड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो उसके एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। आपके पास तीन पार्टनर्स से, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और उनका एक बैलेंस शीट हमें दिया है 31 मार्च 2020 का। तो 31 मार्च 2020 में उनके बैलेंस शीट में
लायबिलिटीज और एसेट्स कितनी है उसके डिटेल्स अवेलेबल है। तो लायबिलिटीज में देखिए हमारे पास तीन पार्टनर्स है, पी क्यू आर। सो कैपिटल अकाउंट है तीन, पी क्यू आर, और एक ही लायबिलिटी है जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोली जाती है, क्रेडिटर्स। ठीक, तो कैपिटल एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में, और एसेट्स में हमें इकट्ठा एसेट्स का टोटल दे दिया, जस्ट सन्ड्री एसेट्स जो भी है। क्लियर? तो यहां पे लायबिलिटीज को मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल तो सेम होता है, तो एसेट्स है हमारे पास 3 लाख और लायबिलिटीज भी कितनी है 3 लाख। तो हमें इन सारे लायबिलिटीज को पेड करना है, क्यों? क्योंकि हमने हमारा बिजनेस क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। तो बिजनेस डिसॉल्व अगर कर देते हैं तो बिजनेस की लायबिलिटी जो है उसे पेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, बिजनेस का, मतलब पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स यहां पर जो एसेट्स हैं उसे सेल आउट करते हैं। तो इन सारे एसेट्स को सेल आउट करने के बाद जो भी पैसा आएगा हमें कैपिटल और क्रेडिटर्स इन दोनों में डिवाइड करना है। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरनल लायबिलिटी कौन सा है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सा है। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में या फिर इसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इंटरनल लायबिलिटीज में जस्ट टू पार्ट्स आते हैं, एक पार्टनर्स लोन एंड सेकंड पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये दो छोड़ दे तो बाकी सारी लायबिलिटीज कौन सी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहां पर तो कैपिटल है, कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी हो गया, तो ये एक्सटर्नल है कौन सा इसमें, यस क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हमें पेमेंट किसका करना होगा, क्रेडिटर्स का, और सबसे लास्ट में किसका देना रहेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का। बट पार्टनर्स कैपिटल में कितने लोग हैं, तीन। तो इन तीन में से किसे पहले देने हैं ये हमें देखना है। तो नीचे दिया है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय एक्सेस कैपिटल मेथड। यहां पर आपको मेथड का नाम दिया जाता है, एक्सेस कैपिटल या फिर मैक्सिमम लॉस, दो मेथड्स हैं। दोनों में से कौन सा नाम दिया है कि क्वेश्चन में कैरफुली देखने के बाद ही आप पार्टनर्स कैपिटल को पैसे दे सकते हो, बाकी क्रेडिटर्स को तो हम सबसे पहले दे ही देंगे। तो क्रेडिटर्स को देने के बाद जो भी बचेगा हमें कैसे देना है, पार्टनर्स कैपिटल को। तो पार्टनर्स कैपिटल को पैसे देते वक्त हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, एक्सेस कैपिटल मेथड, या फिर इसे सेकंड नेम था सरप्लस कैपिटल मेथड। मोस्टली ये दो नाम क्वेश्चन में होते हैं, तीसरा चौथा कभी कभार दिख जाएगा, इसके लिए हमने उसे लिख दिया है कि ये भी नाम होते हैं, याद रखिए उसे। ठीक, तो अभी हमें एक्सेस कैपिटल का एक छोटा सा वर्किंग आउट करना है। हमारे पास जो भी एसेट्स है उसका नीचे हमें रियलाइजेशन दिया है फोर पार्ट्स में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लेकिन टुकड़े टुकड़े में पैसे आया है ना। तो ये टुकड़े टुकड़े में आएगा तो देते वक्त भी कैसे देना होता है, टुकड़े टुकड़े में। इसके लिए टॉपिक क्या है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो यहां पर हमें एक वर्किंग नोट करना है, और ये जो वर्किंग नोट हम आज सीखने जाने वाले हैं ये वर्किंग नोट पार्ट ऑफ आंसर होता है, ये एवरी क्वेश्चन आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाना है उसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो अभी पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जस्ट एक्सेस कैपिटल का जो वर्किंग नोट हमें क्वेश्चन में करना होता है पार्टनर्स कैपिटल को पैसे देते वक्त, तो उसका एक वर्किंग नोट हम देते हैं। तो उस वर्किंग नोट को हम देखते हैं, एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करने का एक वर्किंग नोट हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के नाम, ये वर्किंग नोट है तो ये कंपलसरी है, पार्ट ऑफ आंसर होता है, पी क्यू आर। उनका प्रेजेंट कैपिटल कितना है, जो लायबिलिटीज में अवेलेबल है वहां से हम ले लेते हैं। पहले का है 1,20,000, सेकंड है 70,000 एंड थर्ड 14,000। ठीक, और इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया था,
3s2, 2s2, 1। ठीक, तो अभी केयरफुली सुनिए, यहां पर इन तीनों कैपिटल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये सेम है क्या? नहीं, 3, 2, 1 अलग अलग है। सो 3s2 2s2 1 अगर ऐसा रेशियो है या कोई भी रेशियो होगा, डेफिनेटली ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप इन तीनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि किसका कितना ज्यादा है। हाँ, यहां पे आप तो बोल सकते हो कि P का ज्यादा है, 1,20,000 है उसका, Q का कितना है, ओनली 70,000, R का तो सबसे कम है 14,000, तो सबसे पहले किसे दे देंगे, P को दे देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जो रेशियो दिया है 3s2 2s2 1, ये डिफरेंट डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, मतलब सिंपल। तो हमें तीनों को कंपेयर करना है कि किसका कितना कैपिटल ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है उसके लिए ही ये वर्किंग नोट है, इसके लिए से आंसर को मार्क्स, इस वर्किंग नोट को मार्क्स होते हैं। तो यहां पर इन रेशियो को हम उन कैपिटल के नाम के ऊपर लिख देते हैं, 3s2 2s2 1। अब इन तीनों कैपिटल को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो रेशियो है, ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए उन तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो हम उसको इक्वल करने वाले हैं। पहले इक्वल करेंगे मतलब पहले का 3 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 1 है। सो 3, 2, 1 ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो इन तीनों को इक्वल कर दे, मतलब सबको एक तो 3, 3, 3, सबको एक तो 2, 2, 2 या फिर सबको 1, 1, 1, मतलब इक्वल कुछ भी कर सकते हो आप। बट सबको हम इक्वल कन्वर्ट करते हैं कैसे, नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट है वापस, ये पार्ट ऑफ आंसर है, ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पी क्यू आर तीनों का कैपिटल है, पहले का 1,40,000, दूसरे का 70,000, तीसरे का 14,000। अब यहां पर उनका रेशियो जो 3, 2, 1 है उसे हम इक्वल कर देते हैं, मतलब 1s2 1s2 1 कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले का कैपिटल है 1,20,000 और पहले का रेशियो है 3, मतलब 3 रुपीज प्रॉफिट के लिए उसका कैपिटल कितना है, 1,20,000। तो 1 रुपीज के लिए कितना, सिंपल है, उसके 1,20,000 को उसी के 3 रुपीज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 रुपीज का मिल जाएगा ना 40,000। 1,20,000 3 रुपीज प्रॉफिट के लिए, तो 1 रुपीज के लिए कैसे फाइंड आउट किया, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 40,000। सिंपल, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 1 रुपी के प्रॉफिट के लिए कितना हो गया, 40,000। दूसरे का सेकंड क्यू का कैपिटल है 70,000 फॉर 2 रुपीज, उसका 2 रेशियो है ना, तो 70,000 को 2 से डिवाइड कर, 1 रुपीज का मिल जाएगा ना 35,000। पहले के लिए क्या किया, 1,20,000 डिवाइडेड बाय उसी का रेशियो 3, 70,000 डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड 14,000 कैपिटल है बट उसका रेशियो कितना है, 1, ये तो 1 रुपीज के लिए है ना, तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेंगे तो भी उतना ही आने वाला है। सो 14,000 फॉर 1 रुपीज। तो पहले उनका 3s2 2s2 1 के हिसाब से कैपिटल दिख रहा था, अब हमने इक्वल कर दिया, 1s2 1s2 1। P का हो गया 40,000, Q 35,000 एंड R 14,000 नाम का है, इससे हम यूज करेंगे अभी हमारे मेन आंसर के लिए। ओके, हमें एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करना है, मतलब किसका ज्यादा है। तो किसका ज्यादा कैपिटल है ये फाइंड आउट करने के पहले ये फाइंड आउट कर लो कि किसका कम है, कंफ्यूज मत होइए। जिसका ज्यादा है कैपिटल उसे फाइंड आउट करने के लिए पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि सबसे कम कैपिटल किसका है, क्योंकि वही हमारे काम का है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 रुपीज का तीनों का कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया, पी का 1 रुपीज के लिए 40,000, Q
क्यू का 1 रुपीज के लिए है 35,000 और आर का 1 रुपीज के लिए 14,000 इक्वलेंट। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। हमें यह देखना है कि सबसे कम किसका है, फाइंड आउट तो एक्सेस करना है, बट सबसे कम वाले को देखेंगे तो आपको एक्सेस किसका है ये इजीली पता चल जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे कम कैपिटल किसका है? आर 14,000, क्योंकि पहले का तो 40,000 है, दूसरे का 35,000 है और तीसरे का 14,000। ये नीचे जो वर्किंग किया 111 उसमें से कंपैरिजन इजीली हो सकता है। तो सबसे कम कौन है? आर। तो ये हमारे काम का है। इस आर के 14,000 से हम तीनों के रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल रेशो 3:2, 2:1। सो 14,000 इंटू 3 42,000, 14,000 इंटू 2 28,000, एंड अगेन 14,000 इंटू 1, वेरी गुड, इतने फटाक से आपने आंसर बोल दिया 14,000। ठीक, पहला 14,000 इंटू 3, 14,000 इंटू 2, 14,000 इंटू 1, तो 1,20,000 माइनस, ये हमें माइनस करते करते जाना है, तो हमें पता हो जाएगा कि किसका एक्सेस कितना है। 1,20,000 माइनस 42,000, तो पहले का आएगा 78,000, सेकंड का 70,000 माइनस 28,000 उसका आएगा 42,000, एंड लास्ट 14,000 माइनस 14,000 नील हो गया ना। मतलब तीनों में से सबसे कम कैपिटल किसका था? आर का, इसके लिए नील हो गया। अब उसको हम कंपैरिजन के लिस्ट में से निकाल देंगे। अब आपके पास आगे दो लोग पी क्यू, पहले तीन को कंपेयर किया, उसमें से आर नील हो गया क्योंकि उसका सबसे कम है, निकल गया, हमें तो एक्सेस फाइंड आउट करना है ना। अब दो लोग बचे, अब इन दोनों को लोगों का नया कैपिटल देखिए कितना है, पहले का है 78,000 और दूसरे का है 42,000। अब इनका रेशियो तो 3:2 बचा ना, अगेन सेम प्रोसेस, उन दोनों को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। नीचे आइए वापस, उन दोनों को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। तो P का फिलहाल कैपिटल कितना है? अब नया, पहला 120 भी नहीं रहा, अब कितना रहा? 78। पहले का है 78,000 फॉर 3 रुपीज और दूसरे का है 42,000 फॉर 2 रुपीज। तीसरा तो नील हो गया है, खत्म हो गया उसका हिस्सा। अब पहले का कैपिटल कितना बचा है? 78,000 डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा? 26,000। ठीक, और दूसरे का 42,000 कैपिटल है ना फॉर 2 रुपीज, सो 42,000 डिवाइडेड बाय 2 यह आएगा 21,000। तो पहले का 1 रुपीज के लिए हो गया 26,000 और दूसरे का 1 रुपीज के लिए हो गया 21,000। वापस से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पी और क्यू दोनों में ही कंपैरिजन होगा क्योंकि आर नील हो गया है। तो पी का 1 रुपीज के लिए है 26,000 और क्यू का 1 रुपीज के लिए है 21,000। हमें एक्सेस फाइंड आउट करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि सबसे कम कौन है। तो इन दोनों में से सबसे कम कौन है? 21,000। तो ये 21,000 हमारे काम का है। इस 21,000 से हम दोनों के रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने पहले 14,000 से तीनों के रेशो को मल्टीप्लाई किया था, 14 बिकॉज सबसे कम था ये, ऐसे इन दोनों में 26,000 और 21,000 में कम क्या है? 21,000। तो इसे हम बेस मानकर उनके रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने पहले 14,000 से तीनों के रेशो को मल्टीप्लाई किया था, 14 बिकॉज सबसे कम था ये, ऐसे इन दोनों में 26,000 और 21,000 में कम क्या है? 21,000। तो इसे हम बेस मानकर उनके रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 21,000 इंटू 3, पहले का रेशो 3 था, सो 21,000 क्यों? बिकॉज उन दोनों अमाउंट में से कम कौन सा है? 21 है। सो 21,000 इंटू 3 63,000
पहले में और 21,000 इंटू 2 दूसरे का रेशियो 42,000। जैसे ऊपर वाले माइनस किए थे ये भी कर लेते हैं। पहले का कैपिटल था 78,000, उसमें से 63,000 लेस कर देते हैं तो बचेगा 15,000। और दूसरा अभी तो नील हो गया ना, क्योंकि 42,000 माइनस 42,000 नील, तो क्यों कट, क्योंकि नील हो गया, आर पहले कट हो गया था, अब बचा कौन, पी। अब कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं, एक ही तो पर्सन है ना, कंपेयर किसे करे, कंपेयर करने के लिए एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो यहां पर पहले तीन थे, तो पहले स्टेप में हमने आर को कट कर दिया बिकॉज आर नील हो गया। दूसरे स्टेप में क्यू भी नील हो गया, अब बचा कौन, सिर्फ पी। अब ये देखिए पी का बैलेंस 15,000, मतलब पी क्यू आर में सबसे ज्यादा कैपिटल, एक्सेस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल किसका है, पी का, कितना है ये निकालिए हमने 15,000, ये हो गया एक्सेस कैपिटल। तो ये एक्सेस कैपिटल जो हमने फाइंड आउट किया, ये उसके लिए ये प्रोसेस है। थोड़ा आपको कुछ नया लगेगा कि ये क्या है ऐसा, बट डोंट वरी, 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा किस तरह से करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे टॉपिक आपका फिर आपके समझ में आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पर हमने इस क्वेश्चन में हमारे लायबिलिटीज में जो कैपिटल और क्रेडिटर्स हैं, उसमें से सबसे पहले हम किसे देने वाले थे, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को देने के बाद पार्टनर्स को तो पैसा देंगे ना, तो कौन से पार्टनर को, पी क्यू आर में से कौन से पार्टनर को सबसे पहले और कितना देंगे, उसका ये वर्किंग आउट किया है। इट इज कॉल्ड एक्सेस कैपिटल मेथड। तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है, पी का। कितना ज्यादा है तीनों का कंपेयर करें तो ये 15,000। तो सबसे पहले हमें किसे देने रहेंगे, पी क्यू, कितने देने रहेंगे, ये एक्सेस। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। कैसे करने ये अभी हमने सीखा नहीं है, देखा भी नहीं है, बट कितने करने हैं ये हमें पता हो गया है। तो सबसे पहले हम पी को कितना देंगे, 15,000। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पी को 15,000 देने के बाद सेकंड स्टेप में पी को अगेन 63,000, और साथ में देखिए क्यू भी है 42,000। मतलब ये सेकंड स्टेप, पहले में सिर्फ पी को दिया 15,000, सेकंड स्टेप में पी को 63 दिया और क्यू को 42,000 दिया, आर का तो कुछ भी नहीं निकला। एंड थर्ड स्टेज, पी को हमने वापस दिया 42,000, सेकंड को 28,000 और लास्ट को 14,000। तीसरे स्टेप में तीनों को हमने दिया। देखिए उन लोगों को देना कितना था, आर की बात करते थे, आर को टोटल कितना देना था, 40। पहले स्टेप में उसे कुछ नहीं दिया, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं दिया, तीसरे स्टेप में देते हैं ना 14,000, मतलब उसका थर्ड स्टेप में नंबर लगेगा। अब क्यू की बात करते, क्यू को पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं दिया, नीचे से स्टेप स्टार्ट हो गया, नीचे डाउन में फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड और अप में है थर्ड। तो आप कैरफुली देखिए सेकंड थर्ड कहां से आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ पी को दिया था, क्यू को कुछ नहीं दिया, सेकंड स्टेप में हमने क्यू को दिया 42,000 और थर्ड स्टेज में दिया उसको 28,000। 42 और 28 मिला के कितना हो रहा है, 70,000 तो है ना उसका टोटल, है ना। बट कैसे दिया, टुकड़े टुकड़े में, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। और पी, पी को टोटल 1,20,000 देना है, तो सबसे पहले कितना दिया, 15,000, फिर सेकंड स्टेज में दिया 63,000, 63 और 15 हो गया 78,000, और पहले स्टेप में उसे हमने दिया 42,000। तो 78,000 प्लस 42,000 अगर मिला दे तो टोटल हो जाएगा 1,20,000। तो उनको टोटल जितना बैलेंस है उतना देना है, बट टुकड़े टुकड़े में देना है। क्यों देना है, हमें ये डिसाइड करना है कि किसका कितना कैपिटल था एक्सेस कैपिटल सिस्टम से, एक्सेस कैपिटल मेथड से। तो एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना, उसका ये वर्किंग नोट है। तो इस वर्किंग नोट को हमें
आपके स्टेटमेंट के साथ जोड़ना रहेगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ आंसर है। इसका यूज हम आंसर में कैसे करेंगे ये हमने अभी देखा नहीं। आप सिर्फ यहां पे ये समझो कि पार्टनर्स कैपिटल को जो पैसा देना रहेगा तो उन्हें पैसे कौन से मेथड से देने हैं, एक्सेस कैपिटल तो किसको कितने देने हैं, किसका कैपिटल ज्यादा है, तीनों को कंपैरिजन करके उसका एक वर्किंग नोट हमने किया है। इस वर्किंग नोट का यूज हम हमारे आंसर में करने वाले हैं बट इस लेक्चर में ये नहीं है। इस लेक्चर में सिर्फ एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट हमने सीखा। ठीक, तो इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए और लिखने के बाद अब कंपल्सरी रहेगा ये फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने जो भी यहां पे एक्सप्लेन किया है आप उसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन होने के बाद कंपल्सरी सबने मेरे नंबर पर उसे फोटो भेजने हैं आपने जो भी लिखा है तो मुझे पता चलते रहेगा कि किसने लिखा है और किसने नहीं लिखा है। जो नहीं लिखेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा देखते हैं। आप स्टार्ट तो करो, पनिशमेंट चाहिए क्या? चाहिए तो बोलिए, दे सकता हूं। अब ये मत सोचते बेटी कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, आप क्यों सोच रहे? आप तो लिखने वाले हो ना। जो नहीं लिखने वाला वो सोचेगा, आप सारे अच्छे बच्चे हो, आप लिखने वाले हो, आप उसे नोट डाउन करो और मुझे उसका फोटो सेंड करो। ठीक, तो आपके रजिस्टर में जो भी आप लिखने वाले हैं उसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे जो वर्किंग नोट किया है ये भले ही समझ में नहीं आया नो प्रॉब्लम, ये स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप उसे एक बार दो बार देखिए, हो जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं हूं यहां पर, उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो आप उसे ये नया है, इसके लिए पहले ही बोला था कि आप ऐसे अपने दिमाग में जितना ऑटोमेटिकली जाए ऐसे दीजिए। ये रोज आने वाला है, ये रोज होगा तो ये रोज की बात हो जाएगी, फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, इलेवंथ में भी आप जब आए थे तब अकाउंट में कुछ नया देखा बट साल भर तो वही क्या ना। वैसे यहां पर भी आप जो भी यहां पर देखने वाले हो आपको नया दिखेगा बट धीरे धीरे रूटीन हो जाएगा, तो ये अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक, ओके, बाय।